आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादक कैसे हैं 80 शब्द प्रति मिनट। हाय स्टार्ट। चार दशक में पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी भारतीय का देश की जोली में स्वर्ण पदक डालना वाकई नया इतिहास रचने से कम नहीं है। विराम नीरज चोपड़ा का ज्वलन थी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना सूखे में बरसात की बूंदों के समान ही माना जाएगा। विराम पिछली प्रतियोगिता में देश को पहला रजत पदक दिलाने का करिश्मा भी नीरज ने किया था। विराम नीरज ने अपनी उपलब्धि से भारतीयों में खुशी की लहर पैदा की लेकिन कहीं सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विराम सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश खेलों में वह मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। प्रश्नवाचक, क्या हमारे यहाँ खेल का माहौल नहीं है या फिर सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। प्रश्नवाचक पैरा, यह सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक पदक पाने वाले देशों की सूची में भारत बहुत पीछे हैं। विराम महज 5 करोड़ की आबादी वाले देश कैनिया 65 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं 1 करोड़ की आबादी वाला देश क्यूबा विश्व चैंपियन में 22 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल चुका है। विराम ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो वहां भी भारत का स्वर्ण प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। विराम ओलंपिक खेलों के 127 साल के इतिहास में हॉकी के अलावा हमें अब तक 2 स्वर्ण पदक ही मिले हैं। विराम इसमें एक नीरज चोपड़ा व दूसरा अभिनव बिंद्रा के नाम ही है। विराम ऐसा नहीं है कि आबादी के बाद देश में विकास की रफ्तार ही नहीं बढ़ती हो। विराम हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की नई ऊंचाइयां को छुआ है। विराम विज्ञान हो या अंतरिक्ष, देश ने दुनिया में अलग पहचान बनाई है। विराम इस समय दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गई है। विराम 6 दिन पहले ही चांद का तिरंगा लहराया। विराम विश्व में भारत की बात का महत्व दिया जाता है। विराम इन तमाम उपलब्धियों के बीच सवाल यही उठता है कि हम खेलों के बीच क्यों नहीं हैं। विराम क्या इसके लिए खेल संघ जिम्मेदार है? प्रश्नवाचक, खेल संघों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे राजनेता और नौकरशाह खेल के विकास यात्रा में बाधक क्यों बन रहे हैं? प्रश्नवाचक, नीरज चोपड़ा की उपलब्धि बताती है कि सही नियत से प्रयास किया जाए तो खेलों में भी हमारी अलग पहचान बन सकती है। विराम जरूरत खेल संघों में सफाई अभियान की है। विराम अब तक का अनुभव तो यही बताता है जब तक खेलों से राजनीति को दूर रखने के प्रयास सफल हुए तब तब हमारे खिलाड़ियों ने उपलब्धि को पचरम फहराया है। विराम नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हमारे यहाँ कम नहीं है। विराम खिलाड़ियों को समुचित माहौल प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले तो वे पदकों का ढेर लगा सकते हैं। फुल स्टॉप।